एक पान के पत्ते के ऊपर मात्र पान, पान जानते हो वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे महाराज, उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर पांच बेलपत्र, तीन समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही पड़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा बच्चे को, कभी भी मां को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। पांच बेलपत्र, तीन समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए, बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रखर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, सुना आपने पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय। तो अगर आप भी अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चा सारा दिन पढ़ने के बाद में परीक्षा में कम नंबर लाता है, या बच्चा पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय अवश्य ही कीजिए, जिससे आपका बच्चा तीव्र बुद्धि होगा और पढ़ाई से जी चुराने वाला बच्चा खुद पढ़ने बैठेगा और आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये उपाय केवल रवि पुष्य नक्षत्र योग में ही करना है, और ये योग अब नवंबर में 5 नवंबर को है। ये योग रविवार को प्रातः से ही 10:29 तक रहेगा, तो जो भी उपाय करना है इसी समय पर करना है। तो ये उपाय था बच्चों की पढ़ाई को लेकर। इसके अलावा भी आप कुछ और उपाय कर सकते हैं जिससे आपको धन लाभ होगा और आपके घर सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहेगा। पंचांग के अनुसार 5 नवंबर को कालाष्टमी है। ये पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कालाष्टमी तिथि पर काल भैरव देव की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, दोष, शोक दूर हो जाते हैं, साथ ही यश, कीर्ति, आय और मान सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों की माने तो कालाष्टमी तिथि पर दुर्लभ रवि पुष्य योग समेत कई लाभकारी और अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन योग में काल भैरव देव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में। 1. रवि पुष्य योग में सुबह सूर्य देव की पूजा और जल जरूर अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा करने से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 2. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, वह सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और किसी पंडित को तांबे का दान करें। 3. रवि पुष्य नक्षत्र के दिन चांदी और सोने के आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है इस दिन खरीदारी करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 4. रवि पुष्य योग में सूर्य से संबंधित मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। 5. रवि पुष्य योग में भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करें और लघु नारियल को लाल कपड़े में बांध कर धन रखने की जगह